न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। भिवाणी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी और पूरे अहिरवाल में लोकप्रियता के मामले में अपनी अलग पहचान रखने वाले राव दान सिंह को टिकट मिलने की खुशी में खासकर रेवाड़ी में देखने को मिली। आज बड़ी संख्या में उनके स्वागत में कांग्रेसी कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाते नजर आए। रेवाड़ी के हुड्डा बाईपास स्थित रेजांगला पार्क के सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महावीर मसानी के नेतृत्व में उनके सहयोगी रामउतार गुजर सहित टीम महावीर मसानी के सभी साथियों ने राव दान सिंह का ऐसा स्वागत किया कि वे खुद इस स्वागत को देखकर गदगद नजर आए। और भीड़ को संबोधित करते हुए राव दान सिंह ने कहा कि रेवाड़ी और आसपास के लोगों को मेरा ही नहीं बल्कि रोहतक लोकसभा के प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा का भी इसी तरह से न केवल स्वागत करना है बल्कि उन्हें जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत भी लगा देनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर न केवल खरा उतरा जाएगा बल्कि कार्यकर्ताओं की बदौलत भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली है। राव ने कहा कि उनके नामांकन में लोकप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा केंद्रीय नेतृत्व के कई सीनियर नेता पहुंचेंगे। ऐसे में जनसभा को लेकर राव दान सिंह ने रेवाड़ी के लोगों को भी आमंत्रित किया। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मुझे बांधी और हमारे भाई युवा साथी भाई नेता हमारे भाई दीपेंद्र जी ने कि उन्होंने हमें महेंद्रगढ़ भिवाणी से पार्लियामेंट का उम्मीदवार बना करके भेजा। मैं चुनाव चाहे महेंद्रगढ़ से लड़ता हूँ लेकिन मैं मेरे पास शब्द नहीं है जिससे मैं रेवाड़ी के समस्त भाइयों का धन्यवाद कर सकूं। और आज मेरी अपेक्षा करता हूँ कि जिस जोश के साथ आज आप हैं उसी जोश के साथ एक तो आपके पड़ोस में रोहतक है भाई दीपेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं। आपका हमारा सबका फर्ज बनता है कि जिस भाई ने जिस मुख्यमंत्री ने इस इलाके के लिए हमारे भाईचारे के लिए सब कुछ करके दिखाया आज उसको भारी मतों से वहां से जिता करके भेजे। और साथ ही महेंद्रगढ़ भिवाणी के अंदर जहाँ जिसकी रिश्तेदारी है छत्तीस बरादरी के अंदर क्योंकि कांग्रेस भाई और बहनों की पार्टी है किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष की पार्टी नहीं है। वहाँ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें निवेदन करें और उनसे कहें कि आज समय आ चुका है जब जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। ये चुनाव तो विचारधाराओं का है ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जनता के खिलाफ है और आज जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल के रहेंगे कांग्रेस का शासन लेके आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोगों का कोई भी इसी तरह से भी इस उत्साह में कमी नहीं आएगी। और एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि भाई 3 तारीख को मैं नामांकन पत्र भरने के लिए जाऊंगा जिसमें नागनोड़ में जिसमें आदरणीय जोर भूपेंद्र कांग्रेस के शीर्ष नेता उसमें सम्मिलित होंगे। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि ये आपके हमारे क्षेत्र की बात है कि सारे भाई यहाँ से क्योंकि नजदीक लगता है उस ताकत के साथ में वहाँ पहुंचे और इतना बड़ा जनसभा बढ़ा दे कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेताओं को एहसास हो कि दक्षिण हरियाणा आज भी अपने आगाज पर है। ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ ये जनसैला ये जोश इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा के अंदर नहीं हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की विदाई होने जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का जोश आज देखने के लिए मिला है इससे भी ज्यादा जोश आने वाली 25 तारीख को मिलेगा और वहां पर एक बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी की विदाई करके रहेंगे कांग्रेस का शासन लेके आएंगे प्रदेश में भी और देश के अंदर। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जोश को देख करके मीडिया भाइयों के सामने भी आज सामने आई होगी हकीकत उस बात को सच्चाई के साथ जनता को बताएं ताकि जनता इस बात का विश्वास करे कि वाक्य में सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। देखिए मैं समझता हूँ आश्वासन हम नो कांग्रेस की सीट है नो की नो जीतेंगे और एक हमारा अलाई है 10 की 10 में यहाँ पर भाजपा का खाता नहीं खुलने वाला है। मैं गारंटी देंगे देखिए मेरी बात किरण चौधरी जी का कोई मतभेद नहीं वो कांग्रेस की नेता है हमारे साथ है वरिष्ठ नेता है और मैं समझता हूँ
पहले उन्होंने चुनाव लड़ा, हम सब ने मिलकर के चुनौती का चुनाव लड़ा, आज भी वो हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जो बंसीलाल जी की जो राजनीतिक विरासत है उसके अंदर भाई महेंद्रा जी और सोमवीर जी और किरण उस परिवार से जुड़े हुए रहे हैं, श्रुति इस परिवार से जुड़ी हो रही है, उनका सहयोग कांग्रेस पार्टी के साथ है। मुझे नहीं लगता 1% भी किसी मनाने मनाने तो जाएंगे, वो तो हमारा हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो खुद इतनी समझदार है कि कांग्रेस पार्टी के हित में ही बात कर सकते हैं। देखिए ये उनके व्यक्तिगत विचार है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो किसके लिए क्या कहते हैं वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सर तीन परिवार इस बार दूर है राजनीति से, है तीन परिवार से दूर है इस बार, क्या कहेंगे? कौन सा आपने टिकट मिली ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति के अंदर सबकी भागीदारी रहती है और उन सबकी भी भागीदारी, आप ये समझ के चलिए कोई राजनीति के उससे दूर नहीं है प्रभाव से। और ये कांग्रेस पार्टी तो पांचों उंगली मिलके पोछा बनाती है, सारे भाइयों का साथ लेके आगे चल रही है। टिकट बंटवारा बहुत समझ सोच से किया है हाईकमांड ने, या हाईकमांड का अपना नजरिया था किसको देना है किसको नहीं देना, कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता, विचार मंथन हो चुका है और एक या दो दिन के अंदर अंदर आपको समाचार मिला।